दोस्तों, वेलकम बैक टू रेडी चैनल। तो दोस्तों, आज 14 जनवरी है, नहीं 14 आज 14 फरवरी है। तो दो चीज़ आज हो गया, आज सरस्वती पूजा भी हो गया है और वैलेंटाइन डे भी हो गया है, दोनों हो गया है। हालांकि हम लोग सरस्वती पूजा मनाने आए थे, लेकिन सरस्वती जी का कहीं इधर पूजा जो होता नहीं है, होता ही नहीं है। तो घर में हम लोग फिलहाल पूजा पाठ कर लिए हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो घूम लेते हैं। तो वैलेंटाइन डे का मतलब क्या है कि लोग वैलेंटाइन डे भी मना रहे हैं, सरस्वती पूजा जो हो रहा है, तो आजकल का जो कपल्स है उसको डबल फायदा होने वाला है। सरस्वती पूजा के बहाने मिलेगा और वैलेंटाइन डे मना लेगा वो, तो उसको डबल फायदा हो जाएगा। तो ये फिलहाल दंतेवाड़ा का मेन जो मार्केट है, बस स्टैंड है, उधर आपको दंतेश्वरी मंदिर है, उसके जस्ट बगल में ये पार्क है। इस पार्क में पहली बार अंदर आए हैं। ये एक्चुअली होता है क्या, ये शाम को खुलता है 3-4 बजे के बाद, 4-5 बजे। तो हम लोग आए थे तो बंद, हाँ आज जब भी आते तो बंद हो जाता है। इस वजह से आज बहुत दिन बाद आने का मौका मिला, सोचा आज आते हैं तो आज खुला है, आज माहौल थोड़ा है। मंदिर में भी लोग आए हुए हैं, बहुत सारे भीड़ वगैरह हैं, तो मंदिर भी जाएंगे, भगवान का दर्शन भी करेंगे। फिलहाल हम लोग इधर आए हुए, इस पार्क को सैर कराएंगे। ये बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया है, सुबह सुबह घूमने के लिए भी। बच्चा सब ज़्यादा खेलने आता है इसमें। और कौन आता है, सैन भी आते हैं, सैन भी, बड़े बुजुर्ग भी लोग खेलने घूमने आते हैं इधर। तो पूरा दिखाएंगे आपको किस तरीके का ये पार्क है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाए और 27,000 प्लस फैक्ट्स के रूप में, सार संग्रह के रूप में आपको ये किताब मिल जाए, तो आपका जो भी एग्ज़ाम है, चाहे ALP का भी आने वाला है, RPF SI आने वाला है, कांस्टेबल आने वाला है, JEE आने वाला है, ग्रुप D NTU, सभी के सभी क्वेश्चंस इसमें करके कवर किए गए हैं और TCS PYQ सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिए, ये आपके बहुत कारगर रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ एक तालाब है और यहाँ आई लव दंतेवाड़ा लिखा हुआ है। इसके बाद ये आपको बहुत सारे सजावट वगैरह मिल जाएंगे। आइए पहले आपको हम बाहर से दिखा दें इसका किस तरीके का दिखता है ये। तो ये पार्क का मेन गेट है, इधर आपको दंतेश्वरी मंदिर है और इधर आपको जस्ट बगल में बस स्टैंड मिल जाएगा। ये यहाँ पे बस वगैरह स्टॉप करती है, इसके पीछे आपको हॉस्पिटल्स वगैरह दिख जाएंगे। तो ये पार्क का मेन गेट है, इसके अंदर जैसे एंट्री करेंगे तो हम लोग वहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे थे आई लव दंतेवाड़ा के पास। और ये बाहर आपको दिखे, यहाँ पर दंतेश्वरी माँ का फ़ोटो लगा हुआ है। हर जगह जगह कुछ यूनिक चीज़ है, उसका फ़ोटो इसके अंदर आपको दिख जाएगा। आइए आपको अंदर चलते हैं लेके। ये साइड साइड से सुबह सुबह पार्किंग करने के लिए, मतलब टहलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए बनाया गया है। ये आपको देखिए इस तरफ से भी दिख जाएगा, लेकिन इसके जैसे अंदर एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको आमचू दंतेवाड़ा दिख जाएगा और वहाँ पे दंतेश्वरी माँ का मंदिर मूर्ति मतलब फ़ोटो लगा हुआ है। और ये सब वाटर के लिए है, तो वाटर वाला सा लगता है शायद बंद है, इस वजह से ये इस तरीके का है। और यहाँ की संस्कृति का ये फ़ोटो दर्शाया गया, इतने बड़े ढोलक होते हैं और जो सिंग लगा के लोग आते हैं, माथे पर मोर का पंख होता है, ये देखिए इस तरीके का। और ये यहाँ का जो शंख होता है, जो लोग शिकार पर करने जाते हैं जानवर जंगल में, तो यही बजाते हैं यहाँ का, यहाँ का ये एक वाद्य यंत्र है ये। उसके बाद ये उधर भी चलेंगे घूमने, फिलहाल बाबू के देखिए जाओ जाओ, ये इसको बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, खाली जगह देख मिल गया आज, ए फिर उधर जा रहा है, इधर वो उधर फोटो शूट करने में लगी हुई है। उसके बाद ये दंतेश्वरी माँ का जो पूजा होता है, तो इसी तरीके सब झंडा लेके जगदलपुर से आते हैं दशहरा का टाइम में। और उसके बाद आपको यहाँ पे ढोल का लेकर है जगह है, वहाँ गणेश जी की प्रतिमा सबसे मतलब पहाड़ी के हाईएस्ट चोटी पे है। यहाँ पर जाने के लिए 2-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तो चढ़ सकते हैं तो वहाँ आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको इधर जगह जगह बैठने के लिए बना हुआ है, रास्ते भी काफ़ी अच्छे बने हैं, वहाँ भी बैठने के लिए बना हुआ है। उसके बाद इधर ये यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है, तालाब के बीचों बीच में एक ये पेड़ है। और उसके बाद आपको बहुत सारे वहाँ कुछ नाव वगैरह भी है, अभी शायद नाव लगता है बंद है, अंदर में चाहे तो आप घूम सकते हैं। उस लिए पीछे वो हॉस्पिटल है, उसके पीछे वहाँ पे और फिलहाल रात को ये लाइट वगैरह जलेगा तो और काफ़ी खूबसूरत लगेगा। स्ट्रीट लाइट भी काफ़ी बड़ा लगा हुआ है। ये पता नहीं गेट के बाहर किसको बुला रहा है, इसको हम बुला रहे हैं तो आ नहीं रहा है क्या, कौन इसको मानो पंख लग गया है, जैसे पर लग जाता है इस तरीके से। ये देख रहे हैं एकदम यही जगह ढूंढता रहता है खुला में, एकदम भागने के लिए एकदम भागे जा रहा है। ए इधर आ बउआ वही तो आज़ादी मिल गया इसको, ए आजा 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 आओ इधर आ, इधर आजा आजा आ, फिर उधर भाग रहा है, देख रहा है हंसते हुए भाग रहा है एकदम, आ आजा। ये एक हंदवाड़ा जल प्रताप है, तो उसका ये फोटो इधर लगा हुआ है। उसके बाद अगर इधर आप देखेंगे तो वहाँ एक फूल पहाड़ एक जल प्रपात है, मतलब यहाँ जहाँ मेन जो लोग अच्छा था जगह सब है,
उसका यहाँ पे दिया गया है। ये यहाँ पे शायद सात धार लग रहा है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी गया हुआ हूँ तो ये हो सकता है सात धार का फोटो, सात धार ही है ये। उसके बाद ये इधर का तालाब वगैरह है, ये चलिए अंदर चलते हैं। और इधर घास में पानी पटाने के लिए ये फुहारा सबको ऑन कर दिया गया है, तो वहाँ पर जो बैठने वाले होंगे उसको भींग जाएगा। इधर देखिए झूला वूला सब लगा हुआ है, और ये जो दीवार बना हुआ है, इस दीवार पे जगह जगह रंग बिरंगे कुछ यहाँ पे चित्र उखड़े गए हैं पेंट से, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे नौका विहार है, प्रति शुल्क 20 रुपये व्यक्ति प्रति आदमी को घुमाया जाएगा। ये नाव वगैरह है वो उधर है पानी में घूमने के लिए, हो सकता है अभी ये बंद है, अभी कोई दिख नहीं रहा, रस्सी से बांध के रखा है। और ये सीढ़ी वगैरह सब बना हुआ है, ये इधर से भी मेन गेट है अंदर एंट्री करने का। और इधर बच्चों को खेलने के लिए ये झूला वगैरह सब बनाया गया है फिसलने के लिए, और उसके बाद ये भी है सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, और उधर भी है फिसलने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बनाया गया है छोटे छोटे बच्चों का एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। ये भी देखते हैं बाबू को लेकर जाते हैं फिसलता है कि नहीं। तो ये जा रही है ऊपर चढ़ने, चढ़ के इधर से फिसलेगी यही ठीक लग रहा है गली फोटो खींचने के लिए। पर आप फिसलन इसके बाद रुकते हैं पकड़ तो इधर तो भी अच्छा बना हुआ है, ये बाबू मेरा जा रहा है देख रहा है कि किधर जा रही है मम्मी। आओ ठीक है पहले से फिसलो। हाँ तो इधर अब लाइट्स वगैरह भी जलने लगा है पूरा पार्क का, ये देखिए कलरफुल लाइट लगा हुआ है, कभी ग्रीन कभी रेड हो जा रहा है, ये काफ़ी मस्त मतलब दिखता है। तो यहाँ पे लाइट वगैरह जल चुका है, तो ज़्यादा लाइट मतलब होने के कारण वो दिख नहीं रहा है पूरा अच्छे से। तो ये देखिए लाइट टंगने के बाद कितना खूबसूरत दिखता है, एकदम रेड है अभी लाइट के कारण, ये थोड़ा सा कम हो गया है। उधर आपको ग्रीन कलर दिख जाएंगे, जगह जगह आपको कुछ अच्छे अच्छे लाइट्स दिखने को मिल जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल रात हो चुका है और यहाँ भी लाइट्स वगैरह थोड़ा अच्छे से लगा हुआ है पूरा, उधर भी थोड़ा चलेंगे मतलब वेपर लाइट लगा हुआ है तो ज़्यादा उसमें रोशनी नहीं है, थोड़ा और होना चाहिए था ताकि लोगों को फोटो वोटो शूट कर सके। उधर भी उस तरीके का ही है, हम उस तरफ से घूम के आए, इधर थोड़ा अभी जाना बाकी, फिर रात हो चुका है तो चलेंगे फिलहाल घर की तरफ खा पी के, किसी और दिन आएंगे तो इधर घूमेंगे। हालाँकि इधर भी सेम ही है, इधर से जाकर उधर पूरा घूम के उधर से रास्ते मतलब खाने पीने का सारा चीज़ बाहर ही है। तो कैसा लगा गोली तुम्हें बताओ घूम के कैसा लगा? ज़ोर से बोलो अच्छा लगा। अच्छा लगा, राम महोत्सव हुआ था तो उसी का ये बैनर वगैरह लगा हुआ है, बाबू भी हमारा खूब मस्ती किया है। तो फिलहाल चलिए आते पीते, अभी ये बाहर का सीन है, बाहर थोड़ा लाइट काफ़ी बढ़िया है स्ट्रीट लाइट, इसलिए ये थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है। रात का नज़ारा कुछ इस तरीके का दिखता है, काफ़ी खूबसूरत है, स्ट्रीट लाइट हर जगह जगह लगा हुआ है, रोड का भी 4 लेन बनाया जा रहा है। तो फिलहाल हमारा गाड़ी यहाँ है, उधर भुला गए थे, तो फिलहाल चलिए गाड़ी पर बैठ के उधर चलते हैं। अब फिलहाल हम लोग चाउमीन वगैरह खा रहे हैं, ये स्थिर नहीं रह रहा है, कभी हाथ उसमें डाल दे रहा है, कभी उधर भाग रहा है, क्या देख रहा है? क्या खाई? समोसा? समोसा खाई नहीं है। समोसा खा गए? अच्छा समोसा भी दो भी समोसा भी खा चुकी है पहले से ही। क्या देख रहा है, खाएगा इसको? खिलाओ तो थोड़ा सा। नहीं खाएगा, तीखा है। आओ मुंह घुमा ले। खाने वाला चीज कोई खाता ही नहीं, वही तो छोड़ते ही भागते हैं उधर। चल बोलो, चक्को 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 बोलो पापा। अभी ये शांत हो गया लगता है, अभी ये सोएगा, इसीलिए देखिए हाफ ही भी कर रहा है, बोल दिए सही है ना? ओए पपी दो पपी। हाँ चल इसके तो चाउमीन एकदम मारे जा रही है धराधर। कहाँ रे? तो अभी हम लोग दंतेवाड़ा से आ गए हैं और थोड़ा रात भी हो गया था, हालांकि यहाँ रात में कोई दिक्कत नहीं है, लोग बहुत लोग इधर अफवाह फैला कर रख रहे थे कि नक्सल वगैरह प्रभावित इलाका है तो दिक्कत हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से आइए घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, 8-9 बजे रात में भी आप आएंगे तो कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं मिलेगा इधर, ये थोड़ा सा इधर का माहौल ठीक है, उतना डरने का जरूरत नहीं रहता है।
तो फिलहाल रात भी हो रहा था इसलिए मंदिर भी नहीं जा पाया, थोड़ा लेट भी हो रहा था इस वजह से। कैसा लगा तुमको, तुम बताओ कैसा लगा तुम्हें? क्या अच्छा लगा, क्या क्या अच्छा लगा बताओ उसमें? घूमने घूमने में तो मन लगता है। और सरस्वती पूजा देखी? मंडी का सरस्वती यहाँ सरस्वती पूजा लगता होता ही नहीं, गणपति पूजा होता है ही नहीं। नागपुर बगल में है इसलिए खाली बिहार में होता है, कहीं नहीं होता है। मेरा ड्यूटी चल रहा था इस वजह से हम तो थोड़ा लेट हो गए आज, तो ड्यूटी आने के बाद नहा धो के फ्रेश होकर फिर गए थे घूमने। यही मतलब आदिवासी का पर्व त्यौहार होगा तो खूब अच्छे से मनाया जाता है, लेकिन सरस्वती पूजा का ट्रेंड इधर उतना नहीं है। वैलेंटाइन डे का भी ठीक था, मतलब हम लोग तो थोड़ा लेट से पहुंचे, शाम को पहुंचे, भीड़ भाड़ थोड़ा सा दिख रहा था। हमको लगता है वैलेंटाइन डे भी यहाँ आम बात है, कोई भी नहीं, लड़का लड़की अपना घूमेगा फिर कोई कुछ नहीं बोलता है। हाँ यहाँ तो खैर जनरल डे में भी आप जाएंगे तो यहाँ घूमते रहता है, मतलब यहाँ क्या है ना कि थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा डेवलप इलाका है, मतलब लड़का लड़की का दोनों समानता लगभग सेम है। हम लोग थोड़ा सा दिक्कत, एक लड़की अगर किसी लड़के के साथ अगर निकल जाए, अगर भाई के साथ भी जाएगी तो कहीं बोल सकते। हाँ हम लोग इधर यही होता है, सबसे बड़ा सोच घटिया हो गया सब का, अगर एक लड़की लड़का कहीं अगर निकल गया तो उसके पीछे 5-10 लड़के पीछे पड़ जाएंगे, मतलब ये इधर। यहाँ पे हम लोग अगर जाते रहते हैं तो कोई दूसरा लड़का अगर बहुत सारा भीड़ है उस देखता तक नहीं है, मतलब एक बार देखा फिर हो गया, इग्नोर कर देता है वो, अपने लाइफ में मस्त रहता है। हाँ और इधर 6-4 भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, तो ये काफ़ी अच्छा इधर का माहौल है। तो इधर जेंडर का रेशियो वगैरह सब ठीक है, लड़का लड़की में उतना भेदभाव नहीं किया जाता है, इस वजह से यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। ज़्यादातर लड़की सब काम करती है, दुकान उकान हाँ। जहाँ देखिए खाली लड़कियाँ काम करती रहती है हर जगह में, मजदूर वगैरह में भी लड़की लोग ज़्यादा मिल जाएगी, हर दुकान में आपको एक ना एक लड़की देखने को मिलेगा ही। तो इस तरीके इसी कारण से ये थोड़ा सा माहौल यहाँ का थोड़ा सा अलग हो चुका है, तो थोड़ा बढ़िया भी है, लड़की को भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ये सारी बातें फिलहाल फिर चलेंगे, कभी घूमेंगे तो दिखाएंगे। अब हमको नहीं लगता है दोबारा पार्क जाएंगे, क्या है एक बार चले गए तो बार बार कभी कुछ है ही नहीं उसमें, फिर झूला झूलने चलेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, आप लोग इंजॉय किए नहीं किए तो ये भी बताएं, आप लोग का सरस्वती पूजा कैसा रहा वो भी बताएं, अच्छे से पढ़ाई करें, मन लाए कि इस बार जॉब अपॉर्चुनिटी में ले लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।